हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हो आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं अपना गेमिंग सेटअप का टूर, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो का लाइक एम रखा है हमने 100 लाइक्स का, तो 100 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। अपने 3.15 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आ जाते हैं अपने लैपटॉप पे। लैपटॉप है अपना HP का इंटेल i3 10th जनरेशन प्रोसेसर। इसी लैपटॉप से मैं लाइव स्ट्रीम के वक्त सारी चैट्स पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई देता हूँ। लैपटॉप में 1 TB हार्ड डिस्क है, प्लस 2 GB का AMD ग्राफिक कार्ड है, और 4 GB रैम था जिसे मैंने बढ़ा के 12 GB कर दिया है। और इसके बाद ये रहा अपना गेमिंग चेयर, इसी पे बैठ के मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं मोबाइल फ़ोन पे, जिससे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, और अभी इसी मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मोबाइल तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं माउस पे, ये है अपना HP का वायरलेस माउस। इसके ऊपर PS3 के दोनों रिमोट रखे हुए हैं, और अपना PS3 है यहाँ पे, PS3 है यहाँ पे, और PS3 का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता मैं, जब मुझे गेम खेलना होता तभी। और इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी सेकंड स्क्रीन पे। इसके बाद ये है अपना सेकंड स्क्रीन, ये भी बंद रहता है हमेशा, इसका भी मैं इस्तेमाल नहीं करता, बस जब मुझे गेम खेलना होता है तो मैं PS3 इसमें कनेक्ट करके गेम खेलता हूँ। और इस टेबल पे तो मैं सिर्फ लाइव स्ट्रीम करने के लिए बैठता हूँ। उसके बाद मैं टेबल को अपने रूम में ले आया था, क्योंकि टेबल बाहर रहता है, वहाँ पर मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो वहाँ वीक सिग्नल आता है, जिससे नेट सही से चलता नहीं है, स्पीड नहीं आती है, तो इसलिए मैं लेके आ गया हूँ टेबल को रूम के अंदर, तो अब ब्लर नहीं होगा वीडियो। मैंने कनेक्ट कर दिए अपने स्पीकर्स। इन स्पीकर्स का इस्तेमाल मैं तब करता हूँ जब मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। और कीबोर्ड कुछ उतना खास नहीं है, सिंपल सा कीबोर्ड है एकदम, और ये मेरा पूरा गेमिंग का सेटअप है। इसमें केबल्स रखी पड़ी हैं और मेरा चार्जर रखा पड़ा है, PS3 के सारे केबल हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।